तो दीदी एक बार एक कुत्ता घुसाया था घर में, आप बताइए। जैसा दादा बताते थे हम लोगों से कि एक कुत्ता, दादा पढ़ते थे बरामदे में हमेशा बैठ के जी, तो दादा ने कहा मैं पढ़ रहा था, एक कुत्ता बहुत तेज से घुसा हमारे अंदर, तब एक ग्रिल नहीं लगा था जी, वो दादा के पास आ गया, तो दादा ने सोचा कि किसी को या तो काट के भाग रहा होगा या तो कोई दौड़ाया होगा, दादा सोचे जल्दी से अंदर आ जाए, उधर से निकल जाए कुत्ता, चला भी गया। अब पांच छह लड़के यूनिवर्सिटी के भागम भाग आए, यूनिवर्सिटी के थे, कहाँ के थे दादा नहीं जानते, उन लोगों ने कहा कि दादा यहाँ कुत्ता एक आया था, वो हमारा चूजा खा गया, मुर्गे के बच्चा खा गया, तो दादा ने कहा कि नहीं कोई आया तो नहीं, कहीं दादा आया है हम उसको मारेंगे जरूर, हमारा इतना नुकसान किया। दादा ने कहा कितने पैसे का था, पैसा हमसे लो लो, कुत्ते को मत मारो, कुत्ते को मत मारो, और दादा ने पैसा दिया तो हम लोग चुपचाप चले गए। 10 रुपया दिया, 9 रुपए हुए थे, तो 1 रुपया उन्होंने ये कहा था कि तू रख ले चाय पी लेना। एक बड़ी बेचने वाली आती थी, बड़ी वाली कहानी, बड़ी वाली कहानी नहीं है, सत्य घटना है जी, जो बड़ी ऐसे स्टील से पीस के बनाती है जी जी, उस समय इतना मिक्सी का प्रचार नहीं था जी, ये बात हम 92 की बता रहे हैं जी, तो मैं आती थी 91 से, तो 92 में दादा ने एक औरत से बात कर रहे थे और उसको गए दादा चुप से अपने बाग शुरू से पैसा निकाले दे दिए जी, वो ले गई और मिक्सी खरीदी, मिक्सी खरीद के अपनी बड़ी बना के बेचती रही, अब उसके पास इतना पैसा नहीं हुआ होगा कि वो लौट आए, और जब उसके पास पैसा हुआ तब दादा का शरीर शांत हो चुका था। 97 में दीदी बड़ी वाली आई, कहीं दादा कहाँ ऐसे अपने पल्लू से पैसा खोजी, उसमें 1,500 या 2,000 रुपये थे, हम थे, दीदी थी, बड़ी दीदी थी, तो कही हमसे कही कि ये बिटिया ये पैसा दादा का है, हमारा उधार था 1500 कितना हमको दिए थे मिक्सी खरीदने के लिए, हम हाथ से बनाते थे तो दादा ने कहा था तुम हाथ से न बनाओ, बहुत तुम थक जाती हो, अब मशीन चल गई उसी से तुम पीस के बनाओ, तो ये दादाजी के पैसा है ले लीजिए। माँ से हमने कहा, दीदी से कहा, दीदी ने कहा नहीं दादा ने जो दे दिया हम उसको लेंगे नहीं। तो दादा का ह्यूमन एंगल इससे दिखता है कि कितने हमदर्द थे गरीबों के जी, लिए जी, एक कंडी वाली आती थी, वाली की भी बात बताएं, पहले चूल्हा जलता था जी, पहले कंडी लगाओ फिर उसके ऊपर कोयला रखो तब चूल्हा जलता था जी, तो कंडी वाली आती थी तो एक दिन खड़ी थी गेट पर, उसकी कंडियां गिर गईं। अच्छा। हाँ कंडियां गिर गई क्योंकि वो जिस चोकरी में कंडी ऐसे सजा के रखती थी जी, तो वो टूट गई थी। अच्छा। तो कंडियां दो तीन गिर गई, तो दादा ने वो कंडियां उठाकर उसके सिर में लिए हुए थी उसमें रख दी और उसको पैसा दिया। हाँ पैसा दिया तो बहू तुम अपने लिए नई डलिया खरीद ले, नई डलिया खरीद, नई डलिया। दादा तो बहुत करते थे। दादा के बारे में आपने मानवीय जो संवेदना की भावनाएं प्रभावित होती थी उनके बारे में दीदी से सुना, बड़ी दीदी छोटी दीदी दोनों लोगों से। मैंने आपको पहले भी बताया कि दादा यहीं बरामदे में बैठ जाते थे, तो रिक्शा वाला आ गया या कोई गरीब आदमी आ गया या जो भी जिस वर्ग से जो आवश्यकताएं जिनकी पूरी नहीं हो पाती, जीवन में संघर्षरत रहते हैं ऐसे लोगों की बिना कोई वापसी, आप समझ रहे ना, यानी उनसे कोई अपेक्षा नहीं की सहायता करते रहते थे। जैसे कंडे वाले की बात बताई, स्वान की बात बताई, और इंसान तो इंसान, जानवरों के प्रति भी, पशु पक्षियों के प्रति भी, आवारा गाय आ जाती थी और खूब खिलाते थे उन्हें, कुत्ते आ जाते थे गली के यहाँ पर उन्हें भी खिलाते थे रोज, मैंने सुना गिलहरियां भी आती थी, गिलहरी जो रोज अभी भी आती है, अभी भी आती है गिलहरी, चिड़िया, पांडे जी रहेंगे देखेंगे यहाँ मेला लगा रहता है हमारे दरवाजे पे, गौरैया शायद इंडिया में नहीं दिखेगी, हमारे यहाँ सुबह कम से कम 500 गौरैया रहती हैं, हम लोग चावल डाल देते हैं, मार भूत भूत खाती हैं उड़ती हैं, और गिलहरी भी आती है, गिलहरी भी आती है। दादा लेके बैठते थे चना, भुना चना खिलाते के, और गिलहरी को पता था कि ये बैठेंगे अभी किताब पढ़ेंगे,
तो वो पढ़ने लगे थे, गिलहरी आती थी, दादा चना देते थे, खूब खाती थी। आज सुबह से वो फाख्ता मेरे कमरे के सामने घूम रही है। हाँ, मैं कमरे से भी नहीं निकली। अच्छा, सो और आगे देख रही है मुझे। मैंने कहा गया नहीं क्यों, फिर मैं उठी थी, मैंने कहा मैं दूंगी कुछ, यहाँ आके बैठी तो सामने बैठी। मैंने कहा सत्या ये फाख्ता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, इसको दे दो कुछ, इसको खिलाओ। दीदी आधा बिस्कुट फाख्ता खाती है, आधा दीदी एक चिड़िया होती है फाख्ता ना जी, बहुत सुंदर होती है। हाँ। दीदी को तो खुबा आती है दीदी के पास। गिलहरियाँ चिड़िया ये सब पक्षी वहाँ आते थे। ये परंपरा आज भी चर्चलैंड में है कि चिड़िया आती हैं, गिलहरियाँ आती हैं और उनको यहाँ दाना मिलता है। आप भी अपने घर में ऐसा कर सकते हैं, करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।